हेलो एवरीवन, मैं हूं मनमून एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे गुड़गांव के सेक्टर 37D में लोकेटेड प्रोजेक्ट प्रिमेरा का कंप्लीट रिव्यू एंड इट इज़ लोकेटेड इन रामप्रस्था सिटी। तो अपार्टमेंट्स के बारे में जानने से पहले हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या एमिनिटीज़ हमको किस तरह की एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट में हमको प्रोवाइड की जा रही हैं एंड क्या क्या लोकेशन एडवांटेजेस हैं। तो सारा सब कुछ जानने वाले हैं हम हमारे आज के इसी वीडियो में। रिक्वेस्ट इतनी सी है कि वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना रहो इसमें इन्वेस्ट करने को लेकर। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको इस पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये डिसीजन लेने में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं प्रोजेक्ट को वीडियो के थ्रू और भी करीब से। अगर हम लोकेशन की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे 0 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है एंड इसके साथ ही साथ कई सारे मेजर रोड्स यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पटौदी रोड, वसई रोड एंड NH8। तो इन तीनों रोड की बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी आपको इसमें देखने को मिलती है। एंड नाउ अगर हम यहाँ अलग अलग फैसिलिटीज़ की बात करें जो कि आपको प्रोजेक्ट से बाहर मिलती है, लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, कमर्शियल स्टेटस, ऑफिस हब्स। स्कूल्स की बात करूँ तो सन सिटी एंड यूरो इंटरनेशनल आर राइट अराउंड द कॉर्नर, लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम हियर। DPS एंड GD गोइंका आर ऑल्सो ओनली 5 to 10 minutes अवे। और भी बहुत कई सारे जाने माने स्कूल्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉस्पिटल, लाइक सिग्नेचर इज़ लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम हियर एंड इवन मेदांता एंड फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल भी यहाँ से काफ़ी पास ही हैं। अब अगर हम बात करें आपके डेली नीड्स के सामान की तो रामप्रस्था हब जो यहाँ की मार्केट है जो कि काफ़ी पास में है, तो वहाँ पे आपको डेली नीड्स का सामान या फिर इवन अदर थिंग जो भी आपको मिलेगा यहाँ से आप ले सकते हो। पर इवन आपको 5-star होटल एंड काफ़ी जाने माने होटल्स भी काफ़ी आसपास ही यहाँ पे मिल जाता है। इफ़ टॉक अबाउट द IGI एयरपोर्ट विद इन द 15 minutes अवे फ्रॉम हियर, सो आई थिंक जो लोकेलिटी है यहाँ की काफ़ी बेहतरीन एंड बहुत ही क्लियर है। एंड यहाँ पर आपको 4 towers देखने को मिलेंगे एंड एवरी टावर हैज़ G+22 फ्लोर्स, 1 tower हैज़ 92 यूनिट्स। सो इन टोटल दे हैव 368 लग्जरी अपार्टमेंट्स एंड 7.5 acre की गेटेड टाउनशिप है ये हमारी। सो इसमें अगर मैं 3 BHK प्लस पूजा रूम की बात करूँ जिसका साइज़ आपको मिलेगा 1800 square feet, तो जब आप एंटर करते हैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा फॉयर एरिया मिलेगा, विच आई बिलीव इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द एनी अपार्टमेंट। सो आगे चल के आपको कंबाइन ह्यूज लिविंग डाइनिंग मिलेगा एंड उसमें आपको अटैच्ड बैल्कनी भी रहेगी। सो एंड द कोर ऑफ इट हैज़ कम्प्लीटली फिल विद द ग्लास, सो प्रॉपर लाइटनिंग आपके अपार्टमेंट में आएगी। साथ ही आपको पूरे अपार्टमेंट में 5 AC मिलेंगे, 2 living dining में एंड अदर आर इन द अदर बेडरूम एंड एक छोटा सा यूटिलिटी एरिया भी आपको इसमें मिलने वाला है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चाहे तो पूजा रूम बना सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड किचन जो होगा आपका काफ़ी अच्छे साइज़ के साथ आपको इसमें मिल रहा है, जिसके साथ अगेन आपको यूटिलिटी बैल्कनी भी मिल रही है। तो सारे मतलब इसकी खास चीज़ ये है कि आपको सारे बेडरूम्स के साथ हो बैल्कनी आपको मिलने वाली है, चाहे वो लिविंग डाइनिंग हो या फिर आपका किचन एरिया हो, तो सभी के साथ जो है आपको बैल्कनी अटैच्ड मिलने ही वाली है। एंड किचन में आपको सिंक जो प्रोवाइड किया जाएगा एंड अच्छे फिटिंग्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे एंड अपने अकॉर्डिंग भी चाहे तो आप ये सारी चीज़ें ना चेंज भी कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी स्पेशियस साइज़ आपको मिलता है किचन का, आई थिंक इट इज़ क्वाइट वेल डिज़ाइन। अदर पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक कॉमन आपको वॉशरूम रहेगा एंड आपका 3 bedroom रहेगा, तो मास्टर बेडरूम में एक आपको अच्छा सा वार्डरोब का स्पेस भी मिलेगा या फिर आपको मास्टर बेडरूम में वार्डरोब मिलने वाला है एंड बाकी 2 bedrooms में जो है आपको मिलने वाला है वार्डरोब का स्पेस, आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। एंड सारे ही स्लाइडिंग डोर्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे एंड बैल्कनी से जो आपका व्यू होगा बहुत ही क्लियर एंड ब्यूटिफुल होगा क्योंकि इसमें कोई भी हाई राइज अपार्टमेंट नहीं बनेंगे। सो दिस वॉज द लास्ट वन, तो आपका व्यू जो है कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू ग्रीन, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू क्लियर। साथ ही इसमें ब्रांड्स में काफ़ी फोकस किया गया है, दे आर मेक श्योर देन दे आर प्रोवाइडिंग यू प्रीमियम एंड गुड क्वालिटी। तो इसमें आपको 3 BHK के अपार्टमेंट्स जो है देखने को मिलते हैं एंड इसका साइज़ जो आपको मिलने वाला है, एक आपको मिलता है 1775 square feet एंड सेकेंड आपको 1800 square feet का जो अपार्टमेंट मिलता है उस
सो नाउ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं एंड हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं बाकी की डिटेल्स को जानने के लिए। सो गाइस, ये था हमारे आज के प्रोजेक्ट का कंप्लीट रिव्यू एंड लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी इस प्रोजेक्ट को समझने में, और अब आपको डिसीजन लेने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड फिर भी हमसे कुछ छूट गया हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए नंबर पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा सा एफर्ट करके एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। साथ ही चैनल पर अभी तक नए हैं तो नए मत रहिए, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि हम कोई भी वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग एंड अफोर्डेबल प्रोजेक्ट रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।